प्रियंका गांधी से बीजेपी को अब डर लगने लगा है, यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है। प्रियंका गांधी के ऊपर मध्य प्रदेश के 41 जिलों में एक साथ एफआईआर करा दी गई और बताया गया कि प्रियंका गांधी उनकी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। अब समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी दुष्प्रचार कर रही है इस बात को लेकर के एफआईआर कराई गई है, या वजह यह है कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल में बीजेपी को धूल चटा दी। और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के अंदर, जहां पर मोदी ने बजरंगबली तमाम चीजों को उछाल दिया था, उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने, और एक भाषण के क्लिप में आपको सुनाऊंगा, कर्नाटक में बीजेपी को धूल चटा दी। और उसके बाद में सीधा प्रियंका गांधी ने कहीं पर पैर रखा तो वो मध्य प्रदेश के अंदर रखा। और मध्य प्रदेश के अंदर हाल में प्रियंका गांधी जब गई थी तो पूरा वो करीब 25-30 मिनट का भाषण मैंने आपको सुनाया था। उस 25-30 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने जो बातें कही, बड़ी भयंकर तरीके से जमीन पर उसका असर हुआ है, यह बताया जा रहा है। और दरअसल प्रियंका गांधी को अगर आपको समझना है और बीजेपी के डर को समझना है, तो इस बात को समझिए कि प्रियंका गांधी वो ताकत है जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी ने यूसीसी, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, तमाम चीजों का जिक्र किया और एकदम से हिंदू बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई। दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने टीपू सुल्तान, हलाला निका और उसके साथ साथ बजरंगबली तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकने के बाद कर्नाटक में जीत नहीं दिला पाए। और कर्नाटक वाला जो फॉर्मूला जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर निकाला, 40% की सरकार, पेसीएम के सीएम जो मुद्दा वहां पर निकाला, वही मुद्दा वो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने चिपका दिया। कांग्रेस ने कहा कि 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। ये कांग्रेस ने जगह जगह पर पोस्टर लगाए, कांग्रेस के समर्थकों ने पोस्टर लगाए और उसके बाद में नतीजा यह हुआ कि प्रियंका गांधी के ऊपर 41 जिलों में एफआईआर कर दी गई। तो ये डर किस चीज का है? ये डर उस 50% का ठप्पा ना लग जाए इस बात का डर है, ये डर इस बात का है कि प्रियंका गांधी यहां पर एक्टिव क्यों हो रही है इस बात का डर है, ये डर इस बात का है कि कर्नाटक में जिस तरह से, जिस फॉर्मूले के तहत बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस की जीत हुई, वही सेम चीज यहां पर रिपीट ना हो जाए। ये डर इस बात का है कि कर्नाटक में जिस तरह से सरकार को तोड़ करके सरकार बनाई थी और जितने लोगों ने वहां पर सरकार को गिराने में, जिन विधायकों ने सरकार को गिराने में भूमिका अदा की थी, वो तमाम विधायक कर्नाटक का चुनाव हार गए, वही सेम समीकरण मध्य प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी उन विधायकों को और सिंधिया को खतरा है, इसीलिए क्योंकि ग्वालियर के अंदर सिंधिया के गढ़ में जाकर के प्रियंका गांधी ने अभी जो भाषण किया तो उसमें तस्वीर बहुत साफ कर दी थी। तो उसके बाद में ये जो चीजें हुई हैं, ये तो लाजमी है कि ये होना था, लेकिन बीजेपी आखिरकार ये गलती कर क्यों बैठी? क्योंकि अब तो वो मामला, एफआईआर का जो मामला है, अब तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर चिपक गया है। अभी तक तो यह था कि वो मामला एक बार उछला और उसके बाद में ठंडा पड़ गया, लेकिन बीजेपी ने उसी मुद्दे को लेकर के एफआईआर करा करके ये बता दिया कि बीजेपी वही गलती कर रही है जो गलती उन्होंने कर्नाटक में की। और कर्नाटक की गलती उनको कितनी भारी पड़ी ये तो लोगों ने बता दिया, लेकिन प्रियंका गांधी पर जिस तरह से एफआईआर हुई, प्रियंका गांधी पर जिस ट्वीट को लेकर के, जिस संदर्भ को लेकर के एफआईआर हुई है, वो पहले आपके सामने रखता हूं। प्रियंका ने ट्वीट किया था और फिर इसी से रिलेटेड पोस्टर अलग अलग जगह पर छपे, और जितने भी अलग अलग जिलों में एफआईआर हुई है, तकरीबन सब जिलों में एक ही भाषा है, एक ही धाराएं हैं, ऐसा लगता है कि एक ही जगह से आदेश हुआ और फिर उसके साथ में एक ही साथ सब जगह पर 41 जगह पर एफआईआर हो गई।
41 जहर पर किसी नेता के खिलाफ और किसी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ एफआईआर होती है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि निर्देश ऊपर से थे, पुलिस ने नहीं किया, ऊपर से ये निर्देश आया और फिर उसके बाद ये एक्शन हुआ। अब प्रियंका गांधी का वो ट्वीट देखिए, प्रियंका ट्वीट करती है और प्रियंका ट्वीट करके कहती है मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन पर ही भुगतान मिलता है, कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी की सरकार 40% की वसूली करती थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को भी सत्ता से हटाएगी। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद खलबली मच गई। खलबली मच गई कि ये तो अगर मामला चिपक गया तो इसको छुटवा नहीं पाओगे, क्योंकि नारा दिया गया 50% लाओ फोन पे काम कराओ, और ये नारा ऐसा चिपका कि इसके बाद में फिर क्या कहें। ये प्रियंका गांधी ने यहां पर जो है उस वक्त की एक फोटो ये भी अपने ट्वीट में लगाई थी, सोशल मीडिया पर जमकर ये वायरल हुआ था। पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी, लिखा 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। पत्र में लिखा था 2012 में हमारे संगठन के एक सदस्य संस्थाओं से 10 वर्षों में पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 35,000 मीटर की 1500 से अधिक छोटे बड़े तालाब और सरकारी निर्माण कार्य किए, इसमें 50% की कमीशन मांगी जा रही है। और इसी तरह से एक लेटर लिखा गया था कर्नाटक एसोसिएशन की तरफ से, कर्नाटक वर्कर एसोसिएशन की तरफ से प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया था और उसमें भी यही कहा गया था कि आपकी सरकार, यहां की सरकार, कर्नाटक की डबल इंजन की सरकार, वो भी तोड़ करके बनाई हुई सरकार, लोटस ऑपरेशन लोटस की सरकार, वो सरकार 50% का कमीशन मांग रही है। और उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। तो बीजेपी क्या वही गलती कर रही है जो कर्नाटक में उसने कर दिया, या बीजेपी को लगा कि कार्रवाई नहीं की तो ये आरोप चिपक जाएगा, या बीजेपी ने अब कार्रवाई करके ये आरोप अपने ऊपर चिपकवा लिया है, सवाल ये है। लेकिन प्रियंका गांधी का ये ट्वीट क्या ये इतना खास बनता है कि इसको लेकर के 41 जिलों में एफआईआर हो जाए, सवाल ये। अब इसको लेकर के तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है और इसमें अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ ने ट्वीट किया है, कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि सर से पांव तक घोटालों से घिरी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इशारे पर कांग्रेस की सम्मानित नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री जयराम रमेश और मुझ सहित कई नेताओं पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिस सरकार का मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कमीशन राज कहता है, वह सरकार भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा सकती, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उठाने वालों पर अत्याचार कर सकती है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से आह्वान करता हूं कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ तन करके खड़ा हो जाए और इस 50% कमीशन के राज को उखाड़ फेंके, सत्यमेव जयते। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की हालत वैसे ही खस्ता बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इस हाल में है ही नहीं कि वो सरकार बना सके, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने पिटारा खोला हुआ है, लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं, स्कीम पर स्कीम, पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद उनको जो रिपोर्ट मिल रही है, बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में उनके लिए कोई सुखद खबर नहीं है, उनके लिए कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बढ़ी हुई है। और शिवराज सिंह चौहान ने ये यहां पर सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दे दिए और उसके बाद में 41 जिलों में एक साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर एफआईआर हो जाती है। मनोज झा ने कहा है मुकदमा क्यों किया है, जेल में डाल दीजिए। इसका मतलब तो यही है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया,
दूसरी बात यह है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए और सवाल किया, अगर उनसे दूसरी बात यह है कि अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो एफआईआर हो जाती है। अगर व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकतंत्र की आड़ में यह खतरनाक खेल हो रहा है। पहले ईडी सीबीआई से लेकर के अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर सांसद मनोज झा ने यह बयान दिया है। अब समझिए जरा राजनीति किस कदर मध्य प्रदेश की हो चली है और किस तरह से जो है वो बीजेपी को वहां पर खतरा महसूस हो रहा है। दो तीन चीजें साफ तौर पर ऐसी हैं जो बीजेपी को बेचैन कर रही है। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को वहां पर ये डर महसूस करा रही है कि उसकी सरकार जा रही है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है, बताया ये जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के लोगों की नाराजगी है। बीजेपी बदलना चाहती थी, बीजेपी के अंदर से सवाल भी उठे, कहा भी गया, शीर्ष नेतृत्व ने भी संकेत दे दिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अड़ गए और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे बने रहेंगे, कोई और दूसरा चेहरा बीजेपी के पास में है नहीं। शिवराज सिंह चौहान को आप दरकिनार करेंगे तो उसका खामियाजा क्या होगा, वो शिवराज सिंह चौहान ने शायद संकेत दे दिए हैं। इसलिए बीजेपी वहां पर कोई चेहरा दूसरा सामने लाना नहीं चाह रही। नरोत्तम मिश्रा और तमाम अलग अलग चेहरे, उसके साथ साथ जो है नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, कुछ चेहरों को जो है वो लाने की कोशिश की गई, बातें भी हुई, लेकिन वो सामने आई नहीं। सबसे पहला तो कमी चेहरे की है। दूसरी तरफ जो है वो कमलनाथ को लेकर के लोगों के अंदर एक सिंपति है कि पिछली बार इनकी सरकार गिराई गई, कमलनाथ इशारों ही इशारों में संकेत दे रहे हैं कि मेरा चुनाव जो है वो आखिरी चुनाव हो सकता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर कर्नाटक वाला फॉर्मूला वो जबरदस्त तरीके से हिट हो सकता है। एक तरफ जहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के खेमे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ को लेकर के खुद दिग्विजय सिंह खुलेआम बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ है, कमलनाथ ही टिकटों का बंटवारा करेंगे, कमलनाथ के सर्वे में जिसको टिकट मिलेगी उसी को टिकट मिलेगी। यानी गुटबाजी की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी बड़ी बात बीजेपी के लिए जो सिरदर्द बना हुआ है, बीजेपी के लिए बाहर से आए हुए नेता सिरदर्द बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक वक्त में खबर चली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन वो खबर हवा में उड़ गई। दरअसल वो खबर किसी के द्वारा क्या किस तरह से प्लांट कराई गई थी, इस बात को आप समझिए। सिंधिया के जितने भी समर्थक विधायक हैं वो दोबारा टिकट लेना चाहते हैं और सिंधिया के गढ़ में जितने भी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए वरना हम सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में तीन बीजेपी हैं, एक शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान की भाजपा, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। अलग अलग खेमों के अंदर भाजपा वहां पर बटी हुई नजर आती है और किस तरह से क्या चीजें चल रही है इस बात को अगर आप समझेंगे तो आप इस भाषण को देखिए जो प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में दिया था और उसके बाद में सरकार कैसे उखड़ गई थी, उस बात को देखिए। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है, वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है,
वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी है इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। मुझे सार्वजनिक जीवन है, मुझे ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। प्रियंका गांधी का यही अंदाज ऊपर नरेंद्र मोदी अमित शाह को परेशान कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान को परेशान कर रहा है, संघ को परेशान कर रहा है, और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि प्रियंका गांधी का आखिरकार जवाब क्या हो, प्रियंका गांधी की काट क्या हो, प्रियंका गांधी को किस तरह से निश्चय नाबूद किया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उनके साथ जुड़ता जा रहा है, हिमाचल, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश, सवाल ये है। 41 FIR ये सीधे तौर पर बता रही है कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट तो जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी FIR करने का आदेश वो नहीं आता, और इतनी FIR हुई है तो किसी एक थाने की मर्जी से नहीं हुई है, किसी एक DM की मर्जी से नहीं हुई है, अलग अलग 41 जिलों में FIR हुई है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी हामी दिल्ली से भी भरी गई है और उसकी हामी वो भोपाल से भी भरी गई है, और यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि मोदी हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सबको इस बात का डर है कि अगर प्रियंका का जादू चल गया तो फिर आगे टिक नहीं पाएंगे, और शायद यही वजह है कि 41 FIR एक साथ कर दी गई है। वरना राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। इस बात का, प्रियंका की बात का जवाब किसी और तरीके से भी दिया जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में FIR करवा करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को खुद कांग्रेस के सिकंजे में फंसवा दिया है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।